एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक देवनानी और मेयर धर्मेंद्र गहलोत। प्रताप मेमोरियल हॉस्पिटल के पास हुए नाले की टूट फूट को लेकर निगम निकालेगा टेंडर। एलिवेटेड रोड की वजह से व्यापारियों को आ रही परेशानी को लेकर व्यापारी लगातार विधायक देवनानी और निगम में शिकायत कर रहे थे, जिसको लेकर आज अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और मेयर धर्मेंद्र गहलोत एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर मेयर गहलोत ने बताया कि एलिवेटेड रोड की वजह से प्रताप मेमोरियल के पास के नाले के साथ कुछ टूट फूट हो चुकी है, जिसको लेकर इसका कार्य इस बीच फंसा हुआ था। किसका कार्य स्मार्ट सिटी के तहत होगा या फिर निगम के तहत, लेकिन आज निरीक्षण के बाद मेयर गहलोत ने इस कार्य को स्वीकृति दे दी है। वहीं विधायक देवनानी ने कहा कि इस समय त्यौहार का सीजन चल रहा है और दिवाली भी पास में, इसलिए व्यापारियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए एक पिलर बनने के बाद एलिवेटेड रोड का कार्य दिवाली तक के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि खरीदारी करने आ रहे लोगों को और व्यापारियों को धूल मिट्टी की वजह से किसी तरह की परेशानी न हो। पहले विधायक महोदय और अधिकारीगणों के साथ यहाँ पे जो कच्चे रोड पे काम चल रहा है एलिवेटेड रोड का, उसका निरीक्षण किया, तो उसके बीच में इनका ध्यान आया कि कुछ पुलिया है जो प्रताप उसके लिए चांद भलाई खाने का जो नाला है जो क्रॉस करके आके कच्चे रोड के इस तरफ मिलता है, इसके दोनों एज पे कुछ निर्माण टूट गया है, कुछ सड़क घिस गई है इसको। तो ये दो डिपार्टमेंटों के बीच में आपस में चल रहा था कि RSRDC वाले कराएं, स्मार्ट सिटी वाले कराएं कि निगम कराएं। ये शहर के हित का काम है, अगर जन को असुविधा हो रही है तो नगर निगम इसके लिए तत्पर है, तो मैंने निश्चित रूप से दोनों तरफ को इसको ठीक कराया। तो आज देख लिया मौका, टेंडर निकाल के शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे, कुछ एक दो इश्यूज और नगर निगम के बताएं, नगर निगम के इश्यूज कर देंगे। मैं निश्चित रूप से जब ये एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है तो कुछ अभी परेशानी जरूर है, मगर लाभ जरूर मिलेगा। जैसे अब कच्चे रोड है, मैंने कई बार देखने को मिलता है कच्चे रोड पर अगर 100 ट्रैफिक निकल रहा है, 100 आदमियों का ट्रैफिक निकल रहा है, तो उसमें से 90 आदमी वैसे ही इस रोड को क्रॉस करके जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। जब ये विकल्प हो जाएगा पुलिया का, तो ऊपर से जाएंगे तो ठाट से ये रोड चलेगा भी, और जो पिलर है पिलर के नीचे भी हर जगह पार्किंग की जगह मिलेगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब ये एलिवेटेड ब्रिज का काम हो जाएगा तो जन को भी फायदा होगा और यहाँ के व्यापारियों को भी फायदा होगा। एलिवेटेड रोड जब से बनना शुरू हुआ है, निश्चित रूप से तो जो व्यापारियों को दिक्कत थी, व्यापारी लगातार मेरे से मिल रहे थे, और साथ में जो प्रताप मेमोरियल और क्षेत्रपाल के हॉस्पिटल के बीच में एक बड़ा नाला है जो काफ़ी समय से टूटा पड़ा है, उसमें चर्चा चल रही थी कि निगम ठीक कराए या RCRDC कराए। इस नाते आज मेयर साहब और हम दोनों यहाँ पर आए, वहाँ का साइट पर हमारे RCRDC के जो XCN हैं उनको भी यहाँ बुला लिया, उनके अफसर भी आ गए, उनका निरीक्षण किया। तो नाला तो निश्चित रूप से मेयर साहब ने स्वीकृति दी है कि इसको निगम ठीक कराएगा, और साथ में मार्केट की जो दिक्कतें आ रही हैं, हमने इनको कहा है कि मिनिमम एरिया घेरो और कम से कम दीपावली तक ये जो पंजाब नेशनल बैंक है इससे ये आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक यहाँ का एक पिलर कल बना करके वो अगले 3-4 दिन में अपने पिलर खड़ा करके सारा ट्रैफिक को जाने देंगे, ताकि दुकानदार जो दीपावली पे एक ही बार कमाई होती है, इस त्यौहार पे इनका व्यापार भी चल चले, दुकानदारी भी चल सके। इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जो है इसको 3-4 दिन के अंदर एक और खोद करके हम बाकी काम दीपावली के बाद करेंगे, उससे निश्चित रूप से व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। और ये एलिवेटेड रोड बड़ी मुश्किल से अजमेर की सौगात मिली है, निश्चित रूप से दिक्कतें आने वाली हैं, दिक्कतें कुछ आ रही हैं, लेकिन त्यौहार को देखते हुए दोनों में समावेश हो, जनता को भी राहत मिले, व्यापारियों को भी राहत मिले, और जो अपना बड़ा काम है वह भी निरंतर होता रहे, इन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए आज हम दोनों यहाँ पर देखने के लिए आए। जनता से भी बात की है, अधिकारी से की है, मुझे लगता है निश्चित रूप से जो तय हुआ है वो रास्ता दोनों के लिए हितकारी होगा। साथ में इनको ये भी कहा है कि आप रात्रि में कोई गिरे नहीं, उसके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी लगाओ, तो रिफ्लेक्टर लगाने की भी हाँ भरी है, कुछ सामान इधर उधर का पड़ा है वो भी सम्मिलित करके मिनिमम से मिनिमम जितना इनके लिए आवश्यक है उसको ये रोकेंगे और बाकी सब इनको पूरी राहत देंगे। यातायात जाम तो जब तक बन रहा है, देखिए कोशिश करें कि यातायात में सुविधा जितनी अधिक से अधिक दे सके उतनी करें, और मैं समझता हूँ कि पहले की तुलना में थोड़ी सी राहत आई है, और इस संदर्भ में आवश्यक हुआ तो मैंने SP से भी बात की थी, SP से एक दोबारा भी करूँगा और कलेक्टर से भी करूँगा, हम जनता जनप्रतिनिधि जनता को राहत देने के लिए, लेकिन साथ में विकास के काम भी न रुकें, इन दोनों में सामंजस्य बैठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि उस लाइन को भी साथ में ठीक करते रहें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए।